जय माँ प्रकृति दोस्तों। आज हम लोग है मंडलेश्वर में और ये रोड आप देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से सनावद निकलता है और इधर धामनोद जाता है और यहाँ पर भगवान नाग देवता का मंदिर है पास में। और आज हम है मंडलेश्वर में शिवम एंटरप्राइजेस पे। तो ये आप देख पा रहे होंगे शिवम ट्रैक्टर के नाम से एक पूरा बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर पूरा भंडार है, बहुत शानदार चीजें हैं यहाँ पर। तो देखकर तो मजा आ गया और हम भी इसमें से कुछ चूज करने वाले हैं, जैसे कि सिड्रिल की काफी बड़ी श्रृंखला है इनके पास। तो सिड्रिल में अगर बात करें तो हर तरह की सिड्रिल है, आप लहसुन बोलो, प्याज बोलो, आलू बोलो, इसके बाद में डालर चना बोलो या फिर मक्का बोलो और भी जिस तरह से सोयाबीन बोलो, ऐसी कई सारी सिड्रिल की श्रृंखला है बहुत बड़ी। उसके अलावा कुट्टी मशीन है, यहाँ पर हम देखेंगे ये इस तरह से ये कुट्टी मशीन है। इसके अलावा ये पल्टी प्लाऊ आप देख सकते हैं, तो बहुत ही शानदार क्वालिटी में पल्टी प्लाऊ है। और ये पूरा का पूरा देखा जाए तो शिवम ट्रैक्टर्स, यहाँ पर पूरा एड्रेस भी इसमें शो हो रहा है, ये शिवम ट्रैक्टर्स के नाम से पूरा का पूरा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो सिड्रिल में ये रोहित कृषि के नाम से सिड्रिल है, इनके पास बहुत बड़ी एजेंसी है और काफी बड़ा काम है, बहुत बड़ा एरिया में काम है। तो हम पूरा का पूरा समझेंगे कि ये किस तरह से क्या क्या ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारे बीच में हमारे मित्र हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। तो भैया नमस्ते। जी नमस्कार सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम हेमेंद्र पटेल है। कहाँ से हैं आप? है श्रीनगर से, मंडलेश्वर। मंडलेश्वर जी कहाँ पर आता है मंडलेश्वर? मंडलेश्वर ये बड़वा रोड पे है, खरगोन जिले में। खरगोन जिले में। ओके जी। तो आप थोड़ा सा हमें बताइए कि सिड्रिल में आपके पास कौन कौन सी सिड्रिल है? सिड्रिल में अपने पास न्यू मॉडल में अभी लॉन्च हुई है, हाँ, 2S के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है ठीक है। तो इसमें हाई स्पीड है। क्या खासियत है इसकी विशेष? इसमें इसको कितने भी स्पीड से यदि चला लो, अच्छा, तो दाना मिस नहीं करती है। ओके। और एक्यूरेट जो सिचुएशन की बना के रखी है अपन ने, उस पे दाना गिराएगी, एक्यूरेसी रहेगी, एक्यूरेसी रहेगी पूरी। ओके। और क्या क्या बो सकते हैं इस सिड्रिल में? ये मल्टी क्रॉप है। ओके। इसमें सोयाबीन, डालर, मतलब बीजई में कोई सी बीजई हो, बीज कोई सा भी बीज हो अपन बो सकते हैं। ओके। आपके यहाँ पर ये जैसे इधर भी और भी सिड्रिल है, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? एक ही है ये मॉडल? सर मॉडल अलग अलग है, इसको अभी ओल्ड मॉडल बना दिया हमने। ओके। क्योंकि इसको लॉन्च करके इसमें और सुधार करके न्यू मॉडल कर दिया, न्यू मॉडल कर दिया। तो इसकी एक प्राइस क्या होगी? अगर तो जनरल 50 के समथिंग, सब 50 के समथिंग। और ये जो छोटी वाली सिड्रिल इधर दिख रही है, ये क्या है? ये छोटे गिटर के लिए है, ड्रिप वगैरह सिस्टम में बोने के लिए। अच्छा अच्छा जी। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये क्या चीज रखा हुआ है? रोटावेटर है। ओके। रोटो किंग का। हाँ। तो ये बहुत बड़ा मॉडल दिखाई दे रहा है, क्या है ये? क्या समझे? ये 6 फीट का रोटावेटर है। ये 6 फीट का रोटावेटर, 6 फीट का रोटावेटर, 6 फीट का रोटावेटर है और काफी बड़ी साइज में है। ब्लेडें भी काफी शार्प और बहुत बड़ी बड़ी ब्लेड है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी बड़ी श्रृंखला है जिसमें ये क्या इंस्ट्रूमेंट है? ये स्प्रे पंप है। ये स्प्रे पंप है, ये डायफ्राम पंप के साथ में आता है। अच्छा। इसमें डायफ्राम पंप लगा हुआ है। ओके। तो इससे क्या बेनिफिट या क्या चीज है इसी? इसका प्रेशर बड़ा शानदार रहता है। ओके। ये पानी का छिड़काव नहीं करता, बिल्कुल फुहारे के साथ छिड़काव करता है। ओके। और ये इसी का बड़ा मॉडल है क्या? हाँ, ये इसी का बड़ा मॉडल है, बड़े ट्रैक्टर के लिए। 600 लीटर टैंक में, 600 लीटर टैंक में। और ये कितने लीटर? 300 लीटर टैंक में, 300 लीटर टैंक में है। अंदर भी आपके पास कुछ बड़े बड़े टायर और एकदम अलग सा टायर दिख रहा है। हाँ, ये क्या है? ये है फसल के अंदर चलाने के लिए। फसल के अंदर भी ट्रैक्टर को घुमा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। ओके। 4 इंची चौड़ा आता है, 4 इंची चौड़ा, और अलग अलग हेड है हमारे पास। ओके। जो आप 2 फीट से लेके 3.5 फीट तक के हाइट है। ओके। ट्रैक्टर को जमीन से उठा देगी इतना। ओके। आसानी से फसल में छिड़काव कर सकते हैं, तो फसल का कोई नुकसान नहीं होगा और आराम से घूम भी जाएगी। अब ये वाला एक और टायर दिख रहा है, ये क्या है? ये ट्यूब है, इसके अंदर, इसके अंदर ट्यूब है। ये ट्यूब, ये विदाउट ट्यूब है? ये विदाउट ट्यूब है। ओके। रहेगा एक सिमिलर, करीब करीब सिमिलर, चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा है, इसके 5 इंची आएगी और इसकी 4 इंची आएगी। ओके। और बाकी तो आपके यहाँ पे काफी सारी मशीनरी भी है, ये मशीनरी क्या है? ये अपने गेहूं वगैरह साफ करने की मशीन है ये। अच्छा, उसमें से कंकड़ पत्थर या जो भी वगैरह निकालने के लिए, वो सब निकल जाएगा इससे। तो ये कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है? ये श्री शक्ति वाले, ये श्री शक्ति नामली के नाम से है जी। ओके। और सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो जाती है? जी सर, अवेलेबल। तो आपका नंबर भी बोल दीजिए यहाँ का, यहाँ से जो कांटेक्ट हो जाए कि आपके पास इजी वे में आ जाए फार्मर। जी,
ये हमारे शॉप का नाम है शिवम ट्रैक्टर मंडलेश्वर। मोबाइल नंबर है 9926461855 और एक और है 9751542598। ओके, यहाँ के प्रोप्राइटर का क्या नाम है? बोलो। यहाँ अमर सिंह जी और सूर्य सिंह जी पाटीदार। ओके, ये आप यहाँ पर देखेंगे तो एसेसरीज भी अवेलेबल है, एट ए टाइम एसेसरीज भी अवेलेबल हो जाती है और बस सुविधा भी है यहाँ पर। अगर कुछ छोटी मोटी एसेसरीज की रिक्वायरमेंट हो तो आप पे करके बाई बस भी इसे बुलवा सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी और पूरा कोऑपरेट करते हैं, बहुत शानदार चीजें हैं। हमने यहाँ पर अभी कुछ चीजें देखी जिसमें आप प्याज के बीज भी बो सकते हैं, बहुत ही शानदार सीड्रिल है दोस्तों, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं प्याज की सीड्रिल देखने के लिए जी। और किस तरह से बोता है, कितने इसमें पाइप लगते हैं या क्या क्या इसके फंक्शन है, थोड़ा सा बताएंगे? सर ये 9 रो है, इसमें 9 रो होएगा और 4 इंच इसकी डिस्टेंस है, रो से रो की डिस्टेंस 4 इंच रहेगी। जैसे ये पाइप के होल हम देख रहे हैं, ये 4 इंच की डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इसमें अपना सीट सीधा डालता है, सीट सारे यहाँ पर आ जाते हैं और आपको गियर जो भी चेंज करना है वो कर सकते हैं। और बीज की डिस्टेंस कितनी लेना है अपन को, 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, वो गियर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो बॉक्स टोटल कितने हैं ये? इसमें 7 बॉक्स, 9 बॉक्स है। ओके, और मिनी ट्रैक्टर के लिए है, मिनी ट्रैक्टर के लिए, छोटे ट्रैक्टर के लिए। और इसमें जो पाली बनती है वो कितनी दूरी पर बनेगी? वो थोड़ा सेटिंग है उसमें, अच्छा कर भी सकते हैं कुछ, ये आगे पीछे करने का इंस्ट्रूमेंट इसमें दिया हुआ है तो आप सेटिंग इसकी करके आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, बहुत शानदार। तो अभी आप बड़े ट्रैक्टर वाला भी कुछ बताने जा रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। पास यहाँ पर भी काफी सारी चीजें हैं, तो ये है बड़े ट्रैक्टर वाला, ये बड़े ट्रैक्टर का है। ओके, इसमें डबल डाल बनेगा, हाँ। जो पाली बीच में रहेगी, हाँ। उसपे भी बीज आसानी से बो जाएगा, बीज उसपे भी आसानी से बो सकते हैं, हाँ। ये एक बहुत अच्छी सुविधा है जी। ओके, और यहाँ पर ये कोई बहुत बड़ा और डिफरेंट अलग ही कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये प्याज का रोप बोने के लिए, प्याज का रोप बोने के लिए, हाँ। जो खेत में नर्सरी तैयार कर लेते हैं जी, उस नर्सरी को भी बो सकते हैं, हाँ, उस नर्सरी को बोने के लिए। ओके, तो ये कैसे होगा थोड़ा सा? इसमें 18 मजदूर लगते हैं, वो इस पे आसानी से बैठ के वर्क करते हैं। ओके, तो उधर भी बैठते हैं कुछ, उधर बीच में बैठते हैं और इधर भी बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रोप इसमें रख लिया जाता होगा और लेकर इसमें एक एक डालना होता है, हाँ जी। ओके, तो ये एकदम एक्यूरेसी में आ जाएगा कि आपको कितनी दूरी पर बोना है, ऐसे 4 इंची लेना है और ऐसा जितना भी आपको डिस्टेंस लेना वो ले सकते हैं, और इसमें पाली भी बनते जाएगी एक बार। अच्छा, इसमें ये पूरी पाली बनने का भी बहुत शानदार फंक्शन है दोस्तों, और बड़े बड़े कुछ बोल्डर आएंगे तो वो हटके सीधे बाहर हो जाएंगे, सीड्रिल को चलने में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत ही शानदार है कि ये पूरा का पूरा उसको पाली पर ले आएगा और बहुत शानदार तरीके से बो सकते हैं। ये काफी बड़ी और काफी अच्छी जानकारी है दोस्तों, आपको कैसी लगी ये सारी की सारी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।